हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन और हेलो एरिन को खत्म कर लिया था, अब हम थोड़े उसके क्वेश्चन सेगमेंट की ओर मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर वन, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो, ए यहां पर CH3O माइनस, ठीक है। अब साथ में आपका OH माइनस, NH2 माइनस, और आपका यहां पर ले लेता हूं मैं CH3 माइनस। अब इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम यहां पर देखेंगे, यहां तीनों कंपाउंड में अगर मैं देखूंगा ध्यान से, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एटम आपके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, चारों में है बच्चों, लेकिन इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखेंगे इन फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूँ बच्चों, और इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ, और इसको मैं फोर्थ बोल देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे, फर्स्ट में ओ सेंटर है आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सेकेंड में आपका ओ आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इसमें आपका नाइट्रोजन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और इसमें आपका कार्बन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है। आप देखो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपके यहाँ पर, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में देखूंगा, तो यहां पर कार्बन का सबसे कम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। और न्यूक्लियोफाइल आपका होता क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर मैं एटम के वाइज करूंगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपका क्या आएगा बच्चों, यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आएगा बच्चों CH3- का सबसे ज्यादा, उसके बाद NH2-, ठीक है, उसके बाद आपका CH3O- और OH-, इन दोनों में आपका एटम अब सेम हो गया। अब देखो, सिमिलर एटम होगा तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अगर यहां पर अगर आपका सिमिलर एटम हो गया, तो सिमिलर एटम के केस में हम क्या करेंगे बच्चों, काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगर सिमिलर एटम का कंसेप्ट होगा, तो अगर मैं इसका एसिड बनाऊंगा, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसका एसिड बनाऊंगा, तो देखेंगे कि कौन सा एसिड आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है इन दोनों में, ये वाला होता है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, तो यहां पर CH3O-, यहां पर OH-। तो देखो, बेस क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसमें होती है, वो आपका बेस होता है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थियोरी के, ठीक है। लुईस एसिड बेस थियोरी क्या बोलता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, वो आपका अच्छा बेस होगा। तो देखो, यहां पर अब इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है, ये है। तो अगर मैं अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को अरेंज करना चाहूं, दिस इज वॉट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर एंड दिस इज वॉट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। नाउ अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3-, फिर आपका NH2-, फिर आपका CH3, फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर OH-, फिर आपका सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा बच्चों, CH3O-। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, बी क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चों, ठीक है। बी क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में। देखो, CH3COO-, ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा बच्चों CH3O-, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट आपका C6H5O-, और नेक्स्ट आपका OH-। अब इनको आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में, स्ट्रेंथ में, न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसमें बोलूंगा तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, ओ सेंटर। इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है बच्चों, ओ एटम आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब इसमें भी आपका कौन सा एटम आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ओ आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इसमें भी आपका ओ क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपके सब में क्या है, सिमिलर है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। नाउ अब हमको यूज करना पड़ेगा सम लॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो आप कोशिश करो कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से हम लोग निकाले। तो अगर मैं इसका एसिड बनाना चाहूं तो क्या बनेगा बच्चों, CH3COOH। इसका क्या बनेगा, CH3OH। इसका क्या बनेगा बच्चों, C6H5OH। और इसका क्या बनेगा, H2O। नाउ अगर मैं इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना चाहूं तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा देखते हैं। इसको अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना चाहूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखते हैं यहां पर। उसके बाद आपका होगा C6H5OOH फिनोल। उसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर दोनों में से एसिडिक आपका CH3OH होगा। ठीक है, नाउ अब मैं देखूंगा कि इसमें ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा बच्चों, OH-। आपने पढ़ा होगा बच्चों कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी, जो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों, उतना वीक होगा। तो जो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। अब बेसिक स्ट्रेंथ आने के बाद, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों अभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सी सी अब हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, F- Cl- Br- एंड I-। इन H2O, ध्यान से समझना बच्चों, इन H2O, H2O क्या हो गया बच्चों आपका, ध्यान से समझना, ये आपका H2O क्या हो गया बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब H2O अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो ध्यान से समझेंगे, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो ध्यान से समझना, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो लिखता हूं बच्चों में, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो I- की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, Br- की, उसके बाद किसकी होगी, Cl- की, और उसके बाद क्या होगी बच्चों, F- की। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप ध्यान से समझेंगे कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। H2O है तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम देखेंगे, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, कम होगी। मतलब इसका सोलवोलाइसिस सबसे कम होगा, इसका सोलवोलाइसिस क्या होगा बच्चों, सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा सोलवोलाइसिस किसका होगा, F का होगा। F आपका H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मुझे यहाँ पर DMF दिया होता, क्या दिया होता बच्चों, DMF, DMF क्या होगा बच्चों, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो सेम क्वेश्चन, F-
सी एल माइनस, बी आर माइनस एंड आई माइनस इन डीएमएफ। डीएमएफ का मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डीएमएफ का मतलब क्या होगा बच्चों? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला आपका इस तरीके से होगा, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, अब देखो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड क्या है बच्चों? आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी मैक्सिमम होगी? एफ माइनस की, सी एल माइनस की, बी आर माइनस की और आई माइनस की। तो इस तरीके से हम यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ध्यान से समझेंगे, काफी काम आएगा आगे के क्वेश्चन में ये आपके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझते हुए लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। अरेंज इन द क्वेश्चन, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। आपको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है अरेंज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ध्यान से समझेंगे बच्चों, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो यहां पर एफ माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस एंड आई माइनस। अब देखो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपका कभी भी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ध्यान से समझेंगे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज नेवर डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, या आपका सॉल्वेंट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्वेंट के ऊपर कभी क्या नहीं करेगा बच्चों? डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। नाउ अब मैं अगर बोलना चाहूंगा कि इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? ध्यान से समझेंगे, आर एल है, अगर मैं आर एल को डिसोसिएट करूंगा तो आर प्लस और एल माइनस, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? चार्ज स्टेबलाइज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबलाइज होना चाहिए। अब देखो चार्ज स्टेबलाइज कब होगा? अब आप लोग जानते हो कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? साइज इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल साइज क्या होगा बच्चों? आपका इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका क्या होगा? अच्छा होगा। तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपका जितना अच्छा होगा उतना आपका क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबलाइज। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं साइज बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? चार्ज स्टेबलाइज आपका होता जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इसके हिसाब से आंसर निकालना चाहूँ तो क्या होगा बच्चों? आई माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद बी आर माइनस, उसके बाद सी एल माइनस और उसके बाद आपका क्या होगा बच्चों? एफ माइनस। इसका एक और मेथड है, एक और मेथड हम समझते हैं। अगर मैं इसका एसिड बराबर ना लूं, यहां पर देखो एच आई एच बी आर एच सी एल, यहां पर मेथड टू, ठीक है, एच सी एल और एच एफ, अगर मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहूं, कौन सा स्ट्रेंथ बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहूं तो क्या होगा बच्चों? ऐसा होगा, अगर मैंने इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं इसके कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। देखो कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस। तो अब आपको क्या समझ में आएगा कि यहां पर लिविंग ग्रुप चार्ज स्टेबलाइज आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ जितना कम होगा इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज उतना स्टेबल होगा। तो यहां पर आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इस पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर कि
लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान रहे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या था बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करो। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नोट डाउन करिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विनाइलिक हैलाइड आर अनरिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टुवार्ड अनरिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब देखो, फर्स्ट ए ऑप्शन हमको दिया है यहां पर, सी हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहला हमको दिया है। दूसरा बी पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। ठीक है, थर्ड हमको दिया है डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप इन सी हेलोजन बॉन्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, और क्या दिया हमको यहां पर, x minus इज पुअर लिविंग ग्रुप। अब देखो यहां पर, अब यहां पर बोला है कि विनाइलिक हैलाइड आपका अनरिएक्टिव क्यों होता है। सबसे पहले हम समझते हैं विनाइलिक हैलाइड आपका होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो सॉल्यूशन समझते बच्चों हम इसका, तो देखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH2 double bond CHX, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, विनाइलिक हैलाइड। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, विनाइलिक हैलाइड। अब देखो विनाइलिक हैलाइड में अगर मैं यहां पर लोन पेयर इधर से इधर ट्रांसफर करूंगा, लोन पेयर यहां से यहां ट्रांसफर करूंगा, तो बाय रेजोनेंस यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। बाय रेजोनेंस आपका यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां माइनस चार्ज, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर X प्लस चार्ज। ठीक है, बाय रेजोनेंस जो आपका ये वाला बॉन्ड होगा इस पर क्या आ रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये यहां से X को रिमूव करना ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप इन सी हेलोजन बॉन्ड बाय रेजोनेंस। दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों अब हम यहां पर एक एक करके। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको फॉलोइंग रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो यहां पर आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, OSO2 CF3। ठीक है, यहां पर आपका CH3OH और यहां पर आपका 30 डिग्री दिया हुआ है टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहां पर जैसा कि मैंने आपको लिखाया था
सॉल्यूशन, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है, ये आपका ए क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन समझेंगे ध्यान से, मैंने कि जैसा आपको लिखाया था टेट्रा फ्लैट, ठीक है, नोना फ्लैट, ओ एन एफ नोना फ्लैट, ओ टी एस, ओ एम एस और ओ बी एस, आर गुड लिविंग ग्रुप, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, आर गुड लिविंग ग्रुप, ये सारे के सारे आपके गुड लिविंग ग्रुप है। और अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर क्या है बच्चों, O माइनस S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CF3, ये क्या कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों आपका, ये आपका हो गया OTF, मतलब OTF मतलब ट्राइफ्लेट ग्रुप हो गया बच्चों ये आपका, ठीक है, कौन सा ग्रुप हो गया, यहाँ पर तीन फ्लोरीन है तो इसको बोलेंगे ट्राइफ्लेट ग्रुप, ठीक है, तो ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और टेम्परेचर आपका 50 डिग्री नहीं है, अगर टेम्परेचर अगर आपका 50 डिग्री होता तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो जाता बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से काफी इजी कंसेप्ट है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपका क्या होगा बच्चों, कायरल सेंटर, ये आपका क्या होगा बच्चों, कायरल सेंटर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OCH3, ये आपका कायरल सेंटर होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपको प्रोडक्ट बताने, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है अगला बच्चों, दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बच्चों बी ऑप्शन, या आपका यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पर जल्दी से देखते हैं CH2Br, और इसका रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है बच्चों, NaOH एक्सिस में दिया हुआ है और साथ में आपका H2O, ये मेरे पास बी क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इसका आपको प्रोडक्ट बताना है, अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर अगर मैं NaOH की बात करूंगा तो यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड है, यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड है, और NaOH इसके साथ NaOH आपका कौन सा रिएक्शन को शो करेगा, इसके साथ आपका NaOH शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसके साथ आपका कौन सा रिएक्शन को शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर H2O है, H2O के प्रेजेंस में CN आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, CN का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। और जो मैंने आपको बताया CN का अगर मैं फुल हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो देखो पार्शियली आपको बोला जाएगा, ठीक है, अगर मैं फुल हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यह हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, अगर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर क्या जाएगा CH2Br की जगह ये आपका न्यूक्लियोफाइल जाएगा OH माइनस, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर ये आपका SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों आपका SN2 रिएक्शन, और ये आपका एक्सिस में है तो एक्सिस में होने की वजह से यहाँ पर जो H होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Na से, ऐसा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, टू फिनाइल इथेनॉल मे बी prepared by addition of या फिर reaction with PHMGBr, ठीक है। तो यहां पर A ऑप्शन दिया हुआ है HCHO, B ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहां पर CH3CHO, ठीक है,
सी ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, एसीटोन, CO CH3, ये आपका एसीटोन होता है बच्चों, ठीक है। और आपका डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ईथर दिया हुआ है, साइक्लिक ईथर। अब हम समझते हैं एक एक करके कि 2-फिनाइल इथेनॉल आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो आपको प्रिपेयर करना होता है, आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। आपको प्रिपेयर क्या करना है, देखो आपको PHMGBr के साथ, PHMGBr के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइसिस करा के आपको क्या बनाना है, 2-फिनाइल इथेनॉल। तो यहां पर फिनाइल बना लिया, ठीक है, यहां पर मैंने फिनाइल बना लिया, यहां पर CH2, यहां पर CH2OH, देखो 1 2 2 पर फिनाइल ग्रुप लग गया। आपको ऐसा कंपाउंड बनाना है, आपको ऐसा कंपाउंड बनाना है। ऐसा कंपाउंड आपके कौन से केस में बनेगा देखते हैं बच्चों, देखते हैं। अगर मैं HCHO के केस में बनाऊंगा तो HCHO के केस में आपका यहां पर फिनाइल जुड़ेगा, तो यहां पर फिनाइल अगर जुड़ेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर COMGBr, ठीक है, यहां पर HCHO MGBr, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, PH, और यहां पर H, तो इससे आपका क्या बनेगा, PHCH2OH, ठीक है। तो ये आपका 2-फिनाइल इथेनॉल नहीं है, आपका गलत हो गया। नेक्स्ट को अब हम डील करेंगे, तो नेक्स्ट को अब हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या होगा बच्चों, CH3C(OH), ठीक है। इसकी रिएक्शन में अगर इसके साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं, CH3CPHOMGBr, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा H, और आगे आपका क्या बनेगा, CH3CH2CH3CHOHPH। क्या ये आपका 2-फिनाइल इथेनॉल है? नहीं, ये आपका 1-फिनाइल इथेनॉल है बच्चों, 1-फिनाइल इथेनॉल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। तो इससे आपका 2-फिनाइल इथेनॉल नहीं बनेगा, इससे भी आपका नहीं बनेगा। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको लेके एक बार, ठीक है, उसको लेते हैं। देखो मैंने इसको क्यों नहीं लिया, देखो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा बच्चों तो आपका फिर वो इथेनॉल तो बनेगा नहीं, आपका प्रोपेनॉल बनेगा, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन आपका कितना है, 2 है, तो यहां पर हम क्या बना सकते हैं बच्चों, इथेनॉल। तो देखो यहां पर हम जब देखते हैं, अब देखो साइक्लिक ईथर में यहां पर सब्स्टिट्यूटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो आपका पीएच इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका खुल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर पीएच ने अटैक किया और यहां पर खुला, तो यहां पर OMGBr, OMG-Br। नाउ इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH, और यहां पर क्या आ जाएगा, पीएच। अब देखो बच्चों 1 2, इसका नाम क्या होगा, 2-फिनाइल इथेनॉल। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको डील करना है। कोशिश करो कि सबसे पहले IUPAC नेम के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ कार्बन को डील कर लो। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन को डील कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन काफी हद तक आपका सोल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों अब हम अच्छा सा एक और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल प्रोडक्ट, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, देखो यहां पर काफी इजी है बच्चों, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका ब्रोमीन, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, NO2। यहां पर रिएक्शन करानी किसके साथ, NaSCH3, और आपका प्रोडक्ट बनाना है। अब सबसे पहले एनालिसिस करो कि यहां पर ये क्या है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है,
तो 100% आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड, मैंने आपको बताया था यहां पर NO2 ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अगर यहां पर अगर आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बच्चों, देखो इसकी वजह से यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो कौन सा आपका फ्लोरिन बाहर, नहीं यहां पर आपका कौन सा हेलोजन बाहर निकलेगा, ये वाला हेलोजन बाहर निकलेगा, और ये वाले हेलोजन की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चों, SCH3। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रोमीन, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसके पैरा पोजिशन पे NO2। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, काफी इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वो क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सुटेबल सॉल्वेंट, फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के लिए आपको सुटेबल सॉल्वेंट बताना है। अब मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये मैंने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, CH2Br, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है बच्चों, NaOH के साथ। किसके साथ कराई है, NaOH के साथ। अब यहां पर आपका क्या बनेगा देखते हैं ध्यान से, देखो ये आपका कौन सा रिएक्शन है। सबसे पहले अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो यहां पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, ये आपका होगा बच्चों SN2 रिएक्शन। कौन सा होगा बच्चों, ये आपका SN2 रिएक्शन। अब अगर ये आपका SN2 रिएक्शन होगा तो इसके सुटेबल सॉल्वेंट के लिए हमें ऑप्शन दिए गए, देखो H2O, B, C2H5OH, C, C ऑप्शन हमको दिया हुआ है बच्चों, HCO and Me2, ठीक है, और डी ऑप्शन हमको दिया हुआ है यहाँ पर, डी ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया हुआ है CH3OH। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके लिए सुटेबल सॉल्वेंट क्या चाहिए मुझे, पोलर, पोलर SN2 के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अब देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, ये आपका हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये आपका पोलर अप्रोटिक है, मतलब ये आपका होगा, ये आपका क्या है पोलर प्रोटिक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि मुझे SN2 रिएक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर ली, देखो NaOH होगा तो SN2 ही होगा बच्चों, और यहाँ पर 1 डिग्री हेलाइड है, यहाँ पर कौन सा हेलाइड है बच्चों, 1 डिग्री हेलाइड है। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर, ये 7 और ये 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2। SN2 के लिए कौन सा आपका करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ई का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप समझते हैं यहां पर बी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों यहां पर डी ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर, ये इस तरीके से, ये आपका बेस और ये आपका क्या होगा बच्चों, रेट, ठीक है। और यहां पर एक और दिया हुआ है ग्राफ, यहां पर ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, और यहां पर आपको दिया हुआ है रेट। ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको लिख के जाता हूँ 3-4 पॉइंट, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट अब हम समझेंगे SN1 और SN2 के लिए, ठीक है। अब देखो
सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एसएन टू रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विच इज बिहेव एज बेस, विच कैन बिहेव एज बेस। तो यहाँ पर बेस और दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ये तो आपका करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर वो आपका समझ में आ गया। नाउ अब देखो, लिविंग ग्रुप चाहे एसएन वन हो चाहे एसएन टू हो, तो ध्यान से समझेंगे, रेट ऑफ एसएन वन एंड एसएन टू रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। दोनों में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, तो दोनों में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हम देखते हैं, तो यहां पर दोनों में आपका ये वाला भी सही है, ठीक है। अब देखो, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर अप्लाई होता है कहां, एसएन टू में, जो आपका ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, एसएन टू रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी आपका सही है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ एसएन टू रिएक्शन, एसएन टू रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो उसमें सोलवोलाइसिस कम होगा, इसका मतलब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, कम होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर यही पर अगर आपका यूनिवर्सली दिया होता तो ये ऑप्शन भी आपका सही होता, तो कौन सा गलत है बच्चों, ए ऑप्शन गलत है। अगर मैं देखूं नॉट करेक्ट के अबाउट में तो आपका ए ऑप्शन आएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा पूरा पॉइंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर मूव करते हैं बच्चों। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें दे देखो बच्चों, ए आपका दिया हुआ है, जो आपका क्या बना रहा है बच्चों, CH3MgBr, ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है, यहाँ पर आपका बी प्रोडक्ट बना, देन आफ्टर इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, और यहाँ पर हीट भी ले लिख दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सी, फिर इसका H2PT के साथ रिएक्शन करवाया, और यहाँ पर ये यह आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका CF3COOH के साथ रिएक्शन कराया, देन आफ्टर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है ABCD, ठीक है। ABCD अब आप कैसे करोगे बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं हम यहाँ पर ध्यान से, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले उल्टा चलते हैं, अब देखो H2 और PT का काम क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हटाना, मतलब रिड्यूस करना, मतलब उसके उसकी जगह हाइड्रोजन को एडिशन कर देना, तो यहां पर आपका दो ही चांस बन रहा है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ हो या तो डबल बॉन्ड यहाँ हो, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, चार प्रोबेबिलिटी है, चार आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है बच्चों। जब आपके चार प्रोबेबिलिटी है तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपका रिएक्शन हुआ होगा, तो अब हम पीछे की ओर मूव करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैंने ये CH3 है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने H2PT से मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, अगर मैंने इसको ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया। फिर मैंने इसका क्या कराया बच्चों, डिहाइड्रेशन, तो जैसे ही मैंने इसका डिहाइड्रेशन कराया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH हुआ होगा और यहाँ पर H हुआ होगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। अब देखो यहाँ H तो हो नहीं सकता, यहाँ H तो आपका हो नहीं सकता, हाँ एक यहाँ OH हो सकता है आपका, यहाँ पर आपका OH हो सकता है, यहाँ पर H, तो यहाँ पर आपका किस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने यहाँ पर OH लिख दिया और यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया तो ये आपका बन जाएगा बच्चों, ठीक है। डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन आपका स्टेबल होना चाहिए, अब कार्बोकैटायन आपका कब निकलेगा, जब आप यहां से लिविंग ग्रुप निकालोगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप निकालोगे तो लिविंग ग्रुप निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सबसे पहले बच्चों यहां पर आपका प्लस आ जाएगा और यहीं से आपका क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड बनेगा, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट हो जाएगा,
तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस और यहां से एच निकलेगा तो यहां पर माइनस। तो आई होप कि 3 डिग्री होने की वजह से ये आपका स्टेबल है, ठीक है, 3 डिग्री होने की वजह से ये आपका स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं कि इससे यहाँ पर CH3MgBr से हमको ये मिला था, तो देखो इसकी रिएक्शन मैंने CH3MgBr के साथ कराई थी तो ये मिला था। तो अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराऊं तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, CH3MgBr के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर वो आएगा। देखो ध्यान से, इसको मैंने यहाँ भेजा तो यहाँ से आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से, वेरी गुड, O माइनस MgBr और यहाँ पर CH3, देखो आपका वही प्रोडक्ट आपका बन सकता है, ठीक है। इससे मैंने यहाँ मूव करने का रीजन मेरा 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला था, यहाँ पर भी मैं OH लिख सकता था, यहाँ पर OH लिखता तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, ये वाला अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता तो यहाँ पर 2 डिग्री होता, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनाता तो यहाँ पर 2 डिग्री होता, यहाँ पर भी मैं डबल बॉन्ड बना सकता था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनाता, देखो सेम क्वेश्चन, अगर मैं इस तरीके से करता, अगर बाय द वे मैंने अगर ऐसा लिया होता H2PT, अगर मैंने इसको इस तरीके से लिया होता बच्चों, ध्यान से समझेंगे एक एक बार, देखो अगर मैंने इस तरीके से लिया होता तो यहाँ पर आपका जो OH आता वो आपका कितने डिग्री पे आता, 2 डिग्री पे आता, कितने डिग्री पे आता बच्चों, 2 डिग्री पे आता, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट नहीं होता मेजर, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं इसके बाद सी, अब देखो यहां से ए, ये आपका हो गया सी प्रोडक्ट, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया ए। अब देखो सी से हमको क्या बनाना है बच्चों, CF3COOH, मतलब ये आपका क्या है बच्चों, पेरोक्साइड, ये आपका क्या है बच्चों, पेरोक्साइड है। अब ये अगर आपका पेरोक्साइड होगा तो पेरोक्साइड में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, पेरोक्साइड में आपका कुछ ऐसा पेरोक्सी लिंकेज बनेगा, इपोक्सी लिंकेज बनेगा, इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से, ठीक है। अब जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा फर्दर, इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, यहां पर CH3OH, यहां पर भी आपका क्या जाएगा, OH। नाउ आई होप कि आपको, अब आपको प्रोडक्ट डी आपको ऑप्टेन हो गया है बच्चों। अब जब आपका प्रोडक्ट डी ऑप्टेन हो गया है तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता हूं कि प्रोडक्ट डी के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको कैलकुलेट करके रखना है, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। प्रोडक्ट डी के आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करके रखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए इसी तरीके से मैं अभी कल मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आपको इस तरीके से आपका एल्काइल हैलाइड के चैप्टर के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है वो आई होप सो कि आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन आपका क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर मैंने लिया बेंजीन और यहां पर मैंने लिया Br, इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराना है, Mg ड्राई ईथर के साथ करवाना है और इसकी रिएक्शन मुझे एसीटोन के साथ करानी है, ठीक है, एसीटोन के साथ करवाना है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे एसीटोन के साथ कराना है और साथ में H3O+, और फर्दर मुझे क्या करना है, यहां पर H+ के प्रेजेंस में मुझे हीट करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HOCl के साथ और एक बार मुझे करानी है किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है, और एक बार मुझे करानी है HBr R2O2 के साथ, R2O2 के साथ, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला रिएक्शन आपको क्या दिख रहा है बच्चों, पहले रिएक्शन में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में समझते हैं, पहला रिएक्शन आपको ग्रिगनार्ड का फॉर्मेशन का दिख रहा है, तो पहले रिएक्शन में आपको क्या बन जाएगा, MgBr, ठीक है, ग्रिगनार्ड आपका प्रिपेयर होगा। अब ग्रिगनार्ड की रिएक्शन अगर मैं CH3COOCH3 के साथ कराऊं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो ये माइनस ये प्लस पार्ट, अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों, तो यहां पर MgBr
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या आएगा, सी एच थ्री सी पी एच सी एच थ्री ओ माइनस एम जी बी आर आ गया बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या क्या करेंगे बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री पी एच। अब हाइड्रोलाइसिस करा के इसको मैं हीट करके गर्म करूंगा तो क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर ये आ जाएगा अटैक करेगा तो यहां पर ओ एच टू प्लस, यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका सी सी एच थ्री सी एच थ्री पी एच। अब अगर मैं इसका यहां से रिमूव करूंगा, यहां पर मैं हीट दूंगा तो ये लिविंग ग्रुप बन के आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी एच टू सी सी एच थ्री पी एच। नाउ अब मेरे पास मेन प्रोडक्ट ये हुआ, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मुझे तीनों के साथ करानी है तो एक एक करके तीनों के साथ इसकी रिएक्शन को हम देखते हैं बच्चों। तो यहां पर एक एक करके मैं इन तीनों की रिएक्शन देखता हूँ बच्चों इसके साथ। तो देखो यहां पर पी एच सी डबल बॉन्ड सी एच टू और यहां पर सी एच थ्री। अगर मैं इसकी रिएक्शन एच ओ सी एल के साथ कराऊं, एच ओ सी एल के साथ, तो यहां पर आप ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, यह आपका क्या होगा बच्चों, यह आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, यह आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक वो एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो यहां पर ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर क्या होगा, सीएल आपका कहां जाएगा और ओएच माइनस। देखो अगर अब इस कंडीशन में आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, अब देखो कार्बोकेटाइन अगर आपका इंटरमीडिएट बना तो यहां पर आपका आ जाएगा पीएच, यहां पर सीएच2, यहां पर आ गया सीएल। अब ओएच आपका कहां अटैक करेगा, ओएच आपका इस तरफ अटैक करेगा तो यहां पर क्या जाएगा, ओ एच पी एच सी एच टू सी एल। आई होप सो कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एच बी आर, एच बी आर और आप जानते होंगे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो एच बी आर के साथ ये मार्कोनिकॉफ के थ्रू जाएगा, यहां पर भी फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब यहां पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। नाउ आपका इस बार बी आर कहां जाएगा, देखो पहले एच प्लस अटैक करेगा, एच प्लस यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एच प्लस, पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहां पर कार्बोकेटाइन। अभी कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बी आर माइनस अटैक कर जाएगा तो क्या बना लेगा बच्चों, सी बी आर सी एच थ्री और ये पी एच। ये केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक है, सिमेट्रिकल कार्बन है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने रिएक्शन लिया बच्चों क्या, एच बी आर विद आर टू ओ टू, आर टू ओ टू का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, जो आपका प्रोडक्ट बना उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो उल्टा प्रोडक्ट होगा तो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से चलता है बच्चों आपका, ठीक है, जस्ट आपका मार्कोनिकॉफ का उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब मार्कोनिकॉफ में आपका बी आर यहाँ जुड़ रहा था लेकिन अब यहाँ पर बी आर जुड़ेगा तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा पी एच सी एच टू बी आर और यहाँ पर आ जाएगा सी एच। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अब, ठीक है। क्यों ये वाला प्रोडक्ट आपका क्यों बनेगा बच्चों, क्योंकि इसमें पहला अटैक आपका बी आर करेगा, जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोसेस से आपका यहाँ पर रिएक्शन होगा। आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम और भी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।